पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। इधर कई दिनों से बिजली व्यवस्था नहीं के बराबर चल रही है। बिजली की कांडी प्रखंड में सबसे लचर व्यवस्था है। यह प्रखंड आजादी से लेकर अब तक केवल बिजली की आशा करता रहा। कई नेताओं ने 24 घंटे बिजली देने की भी बात कही। 24 घंटे कौन कहे, 5 घंटे भी बिजली नहीं आई। सबुआ गांव के स्थानीय युवकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उक्त गांव में स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में भजन कीर्तन का आयोजन रविवार की रात 8 बजे से किया गया। इस आयोजन में यह देखा गया कि मोबाइल की रोशनी में भगवान का भजन कीर्तन किया जा रहा था। उक्त प्रखंड में बिजली आपूर्ति के लिए 4 फीडर बनाए गए हैं। लमारी कला फीडर में 5 दर्जन गांव है। इस फीडर पर अधिक लोड पड़ता है, यह कहकर बिजली कट कर दी जाती है। इस संबंध में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना ठाकुर ने कई बार आवाज उठाई। कई बार खबरें बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित भी की गई, किंतु बड़े अधिकारियों व विभागों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। मीडिया के माध्यम से गढ़वा जिले की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नव झारखंड फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव उमेश कुमार सिंह ने बिजली आपूर्ति के लिए अवगत कराने का प्रयत्न किया है। श्री सिंह ने सरकार व मंत्रियों द्वारा किए गए वादों को पुनः याद दिलाते हुए गढ़वा व पलामू जिले को 24 घंटे नहीं तो कम से कम 12 घंटे ही बिजली उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे दो जिले की जनता का विश्वास सरकार, मंत्री व नेता से न टूटे। उन्होंने कहा कि वर्षों से कई सरकारें आती रही, वादे करती रही, केवल फूंक से पहाड़ उड़ा कर जनता को ठगी जा रही है।